इस वीडियो में हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुमारी तेज और आप देख रहे हैं एजी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन अ पेटेंट टू बी मेंटेन पेइंग द मेंटेनेंस फी एवरी जो अगर आपने किसी चीज का पेटेंट करा लिया है तो उसको जो मेंटेनेंस फीस है वो कब से देनी पड़ती है फ्रॉम द डेट जिस दिन से आपने कराया या मंथ से उस महीने से या वर्ष से उस ईयर से या नन ऑफ द अबव ठीक है तो जिस दिन से आपने कराया उस दिन से आपको वो जो पेटेंट फीस है वो देनी पड़ेगी मीनस तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा फ्रॉम द डेट ठीक है जिस दिन से आपने कराया उस दिन से आपको पेटेंट फीस देनी पड़ेगी देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेटेंट डॉक्यूमेंट्स आर देयर कितने प्रकार के पेटेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी टू ठीक है देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेटेंट डॉक्यूमेंट्स क्वेश्चन नंबर थ्री ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन द पेटेंट इज ग्रांटेड क्या प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर क्या हम लोग पेटेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं तो नहीं ठीक है तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा नो ठीक है प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर हम लोग पेटेंट को प्रोवाइड नहीं करते हैं देन क्वेश्चन नंबर फोर अ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन मस्ट बी सबमिटेड विद इन डेस ऑफ फिलिंग द प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन जिस दिन से आपने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन जिस दिन आपने फिल किया है उससे कितने दिन बाद आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फिल करना पड़ता है पेटेंट के लिए ठीक है तो विद इन ट्वेल्व मंथ ठीक है मीन्स एक साल के अंदर आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर फाइव इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी इज सिचुएटेड इन जो इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी का वो कहाँ पर सिचुएटेड है करनाल में पलवाल में हिसार में या चंडीगढ़ में ठीक तो है तो वहाँ का कहाँ पर सिचुएटेड है चंडीगढ़ ठीक है ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट अगर आपकी स्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो ये स्टेब्लिश हुआ है नाइनटीन में ठीक है याद रखना ईयर क्या है नाइनटीन देन क्वेश्चन नंबर सिक्स आईडी ए रिफर्स टू मीन्स आईडी का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है इंटरनेशनल डिपोजिटी अथॉरिटी इंडियन ड्रैक एसोसिएशन या इंडियन डेजर्ट अथॉरिटी या नन ऑफ द अबव ठीक है तो देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अगर ऐसे जगह क्वेश्चन आए तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से जाहिर सी बात है ये रिलेटेड होगा तो इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ठीक है किस कौन सी जगह पर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है फुल फॉर्म पूछा जा रहा है वहां से देख के आप लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पर पूछा है तो ये इंटरनेशनल डिपोजिटी अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर सेवन द हेड क्वार्टर ऑफ पेटेंट इज सिचुएटेड इन जो हेड क्वार्टर है पेटेंट का वो कहाँ पर सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में मुंबई में कोलकाता में या मदुरई में चेन्नई ठीक है तो हेड क्वार्टर ऑफ पेटेंट इज सिचुएटेड इन कोलकाता ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा करेक्ट ठीक है इसके ब्रांच ऑफिस भी हैं तो ब्रांच ऑफिस कभी कभी अगर पूछ लेगा तो कहाँ पर है सबसे पहला हमारा कहाँ है चेन्नई में है ठीक है एक हो गया चेन्नई तीन ब्रांच ऑफिस है दूसरा है मुंबई ठीक है कहाँ पर है मुंबई में और फिर कहाँ पर है न्यू दिल्ली ठीक है ये हमें तीनों याद रखने हैं चेन्नई मुंबई एंड न्यू दिल्ली में इसके ब्रांच ऑफिस हैं हेडक्वार्टर कहाँ पर है पेटेंट का तो वो कोलकाता में है देन क्वेश्चन नंबर एट राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मैनेजमेंट इज सिचुएटेड इन ये कहाँ पर सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है मुंबई में है नागपुर में है या लखनऊ में ठीक है तो ये कहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी नागपुर ठीक है राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मैनेजमेंट सिचुएटेड इन नागपुर देन क्वेश्चन नंबर नाइन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इक्लूड जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है वो किस चीज़ को इंक्लूड करती है पेटेंट को इंक्लूड करती है यूटिलिटी मॉडल को इंक्लूड करती है इंडस्ट्रियल ट्रेडमार्क को या ऑल ऑफ दी अबव ठीक है तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इंक्लूड ऑल ऑफ दी अबव इट इंक्लूड पेटेंट यूटिलिटी मॉडल्स एज वेल एज इंडस्ट्रियल ट्रेडमार्क मीन ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट फ्रेंड्स पी डी एफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और भी जितनी पी है पेड पी का भी वहाँ पर बैच है ठीक है तो अगर आपको पेड पी चाहिए तो आप कमेंट में बताइए कि किस चीज़ की कौन सा सब्जेक्ट की आपको पेड पी चाहिए अगर अवेलेबल है तो आपको वो प्रोवाइड करा दी जाएगी देन क्वेश्चन नंबर टेन वट आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द पेरिस कन्वेंशन ठीक है प्रिंसिपल फीचर्स क्या है पेरिस कन्वेंशन के नेशनल ट्रीटमेंट राइट टू प्रियोरिटी इंडिपेंडेंस ऑफ पेटेंट या ऑल ऑफ दी अबव ठीक है तो इंटरनेशनल सॉरी नेशनल ट्रीटमेंट राइट टू प्रियोरिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ पेटेंट आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द पेरिस कन्वेंशन ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर इज देयर अ प्रोविजन फॉर फिलिंग पेटेंट एप्लीकेशन ऑनलाइन इन इंडिया ठीक है क्या इंडिया में ऑनलाइन पेटेंट एप्लीकेशन फिल किया जाता है तो यस जैसे अदर कंट्रीज में ऑनलाइन अप्लीकेशन किया जाता है पेटेंट का तो वैसे इंडिया में भी ऑनलाइन अपलिकेशन की व्यवस्था अवेलेबल है ठीक ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएगा ए करेक्ट यस क्वेश्चन नंबर इज़ अ प्रोविजन फॉर कंपलसरी लाइसेंस इन द पेरिस कन्वेंशन ठीक है क्या कंपलसरी लाइसेंस का प्रोविजन है पेरिस कन्वेंशन में तो यस देर इज अ प्रोविजन फॉर द कंपलसरी लाइसेंस इन द पेरिस कन्वेंशन ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा यहां पर करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर थर्टीन उपाऊ इज़ रिलेटेड टू जो उपाऊ है वो किससे रिलेट करता है ठीक है तो देखिए यहाँ पर आपको उपाऊ का फुल फॉर्म याद रखना है ठीक है बहुत लोग क्या करते हैं नाइन्टी परसेंट लोग इसका फुल फॉर्म गलत लिखते हैं ठीक है तो फुल फॉर्म क्या होगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट ठीक है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट याद रख लीजिएगा तो किससे रिलेटेड हमारा न्यू वेरायटीज प्लांट की रिलेटेड मीस ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाए प्रोटेक्शन ऑफ न्यू प्लांट वेराइटीज़ ठीक है फुल फॉर्म याद रखना इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स देन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इन अवर कंट्री बुडापेस्ट ट्रीटी इज इफेक्टिव फ्रॉम हमारी जो कंट्री है इंडिया में जो बुडापेस्ट ट्रीटी है वो कब से अफेक्ट में आई या कब से फंक्शनिंग में आई तो ये आई है दिसंबर टू ठीक है लेकिन आपसे डेट भी पूछा है स्पेसिफिक तो डेट क्या हो जाएगी सेवनटीन दिसंबर टू ठीक है कब से आई सेवनटीन दिसंबर दिसंबर सेवनटीन टू देन क्वेश्चन नंबर इज सिचुएटेड इन ठीक है जो विपो है वो कहां पर सिचुएटेड है मीन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म क्या है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो सिचुएटेड कहां पर है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड मीस ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा करे ठीक है देखिए यहाँ पर और भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि ये साइन कब की गई तो फोर्टीन जुलाई नाइनटीन सिक्सटी सेवन ठीक है याद रखना है फोर्टीन जुलाई नाइनटीन सिक्सटी सेवन को ये साइन की गई ठीक है इसके बाद ये फोर्स में कब आई तो 1970 में ये फोर्स में आ गई ठीक है याद रखना 1970 फोर्स में और इसे अमेंडमेंट कब हुआ 1979 ठीक है 1979 इट वाज अमेंडेड इन 1979 ठीक है तो 14 जुलाई 1967 को साइन इन की गई साइन की गई उसके बाद 1970 ये फोर्स में आई और अमेंड कब हुई 1979 ठीक है कल के 1979 ठीक है देन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन आई एस ए रिफर्स टू आई एस ए किस फुल फॉर्म पूछा है तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटीज ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटीज देन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यू आर डी पी इज यू आर डी पी का जो एडमिनिस्टर है मीन्स यूनिफॉर्म डोमेन नेम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी ठीक है उसका जो एडमिनिस्टर है मीनस उसको कौन एडमिनिस्टर करता है तो वो डब्ल्यू पी ओ

ठीक है आर्टिकल ट्वेंटी टू देखिए अगर एकदम स्पेसिफिक आपसे पूछेगा तो लिखने को कभी आ गया तो आर्टिकल ट्वेंटी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन लेकिन यहाँ पर क्लॉज वन नहीं दिया तो आर्टिकल ट्वेंटी टू ठीक है या, याद सिंपली आप आर्टिकल याद रखना है क्लॉज वन में ठीक है तो आर्टिकल ट्वेंटी टू ऑफ ट्रिप्स डिफाइंस ज्योग्रफिकल इंडिकेशन देन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पोकली राइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जो पोकली राइस है वो किसका एग्जाम्पल है ट्रेडमार्क का है पेटेंट का है ट्रेड ट्रेड सीक्रेट का है है या ऑफ ठीक तो पोकली राइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडमार्क मींस ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी लक्ष्मण भोग मैंगो इज एन एग्जाम्पल ऑफ ये किसका एग्जाम्पल है जैसे हमारा पोकली राइस का uh, किसका एग्जाम्पल था ट्रेडमार्क का वैसे लक्ष्मण भोग किसका एग्जाम्पल है ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन वन और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स लेटर्स न्यूमरल्स ड्राॅइंगशन ऑफ कलर्स रिफर्स टू किस को रिफर करता है ट्रेडमार्क को रिफर करता है पेटेंट को करता है ट्रेड स्ट्रीट को सीक्रेट को करता है या नॉन ऑफ दबाव तो इट रिफर्स टू ट्रेडमार्क मीन्स ट्रेडमार्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड लेटर्स न्यूमरल्स ड्राॅइंगशन ऑफ कलर्स ठीक है ऑप्शन नंबर ए विल भी करें देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू एन अपलिकेशन फी टू रजिस्टर अ ट्रेड मार्क फॉर अ स्पेसिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इस कितने रुपए जो आपको रजिस्टर फीस देनी पड़ती है ठीक है तो वो है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड मिस ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री मैं रजिस्टर माई ओन नेम एज अ ट्रेड मार्क क्या हम लोग अपना खुद का नाम एज अ ट्रेड मार्क रजिस्टर कर सकते हैं ठीक है तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका आंसर नो भी हो सकता है और यस yes भी हो सकता है लेकिन सिंपली क्वेश्चन क्या है क्या हम लोग अपना अपने नाम को रजिस्टर कर सकते हैं तो नो no. हम लोग अपने नाम को रजिस्टर नहीं कर सकते हैं एज अ ट्रेडमार्क लेकिन एक केस है अगर हम लोग अपने नाम को एज अ ब्रांड नेम यूज करते हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं एज अ ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल बताते हैं जैसे मैकडोनल्ड ठीक है मैकडोनल्ड जिसका लोग बर्गर बहुत ज़्यादा फेमस है मैकडोनल्ड ठीक है वो क्या है वो भी एक किसी का नाम है ठीक है जो भी इसके फाउंडर हैं जिससे फाउंडर कौन है रिचर्ड एंड मॉरिस मैकडोनल्ड तो उन्होंने मैकडोनल्ड क्या हुआ एज अ ब्रांड नेम रजिस्टर कराया ठीक है तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं लेकिन हमारा जो नेम होना चाहिए वो एज अ ब्रांड नेम हम लोग अगर दे रहे हैं तो उसको हम लोग रजिस्टर करा सकते हैं सिंपली अगर आपके नाम की बात करें तो वो हम लोग ओन नेम रजिस्टर नहीं करा सकते बट वेन इट इज़ यूज एज अ ब्रांड नेम देन वी कैन रजिस्टर एज अ ट्रेडमार्क ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर ट्रेड रजिस्ट्रेशन यूजली रिक्वायर्स जो ट्रेड रजिस्ट्रेशन है किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है सर्च ऑफ एग्जिस्टेंस ट्रेडमार्क क्या पहले से कोई ट्रेडमार्क एग्जिस्ट है उस पर जिस चीज के लिए करा रहे हैं या नहीं एन अप्लीकेशन या एग्जामिनेशन ऑफ योर अपलीकेशन बाई ट्रेडमार्क ऑफिस या ऑल ऑफ दी अबो ठीक है तो हमारे तीनों प्रोसीजर हैं तो ऑल ऑफ दी अबो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी करेक्ट ठीक है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में कंफ्यूज नहीं होना है कि हम लोग अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं तो बिल्कुल नहीं करा सकते लेकिन अगर आपका नाम एज आ ब्रांड नेम कहीं पर यूज़ किया जाता है देन आप अपने नाम को वहाँ पर रजिस्टर करा सकते हैं तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन क्या कह रहा है देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव मे आई अलाउ अदर पार्टीज टू यूज़ माई रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क तो यस वी कैन अलाउ अदर पार्टीज टू यूज़ माई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ठीक है अपने किसी पार्टी का अगर हम लोग चाहते हैं कि वो हमारा ट्रेडमार्क यूज़ करे तो हम लोग इजली कह सकते कर सकता है वो ठीक है देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सिक्स कैन आई एक्वायर ट्रेड मार्क राइट इन माई डोमेन नेम क्या हम लोग अपने डोमेन नेम ट्रेड मार्क एक्वायर कर सकते हैं तो यस वी कैन एक्वायर ट्रेड मार्क ठीक है देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन वट आर द एनुअल फीस ऑफ ट्रेड मार्क एनुअल फीस क्या है ट्रेड मार्क की ठीक है वन थाउजेंड टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड या जीरो रुपीज तो जो एनुअल फीस है वो कितनी रुपीज है जीरो रुपीज ठीक है जिस जिस दिन आपने कराया है पेटेंट उस दिन से आपको देना पड़ता है ट्रेडमार्क बाकी आपको देना नहीं पड़ता है ठीक है जीरो ऑप्शन नंबर डी विल बी जीरो जिर फिर अगर आप डेट खत्म हो जाती है देन आपको फिर देना पड़ेगा ठीक है तो कोई एनुअली फी उसकी नहीं पड़ती है द शेप कॉन्फिग्रेशन पैटर्न ऑर्नामेंट कंपोजिशन ऑफ लाइन्स और कलर्स टू तो एनी आर्टिकल्स रिफर्स टू तो। किसको को रिफर करता है तो ये करता है इंडस्ट्रियल डिजाइन मीन ऑप्शन नंबर ए विल भी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इन द रजिट्रेशन ऑफ ले आउट डिजाइन आर फिलिंग ऑफ अपील ऑफ़ द ले आउट डिजाइन एट एस आई सी एल डी रजिस्ट्री ऑफिस ठीक है या एक्सेप्टेंस ऑफ अपलिकेशन या एक्सेप्टेंस अपन सेल बी एडवर्टाइज विद इन फोर्टीन डेज ऑफ द एक्सेप्टेंस या ऑल ऑफ दी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन ठीक है ये हमारे स्टेप्स हैं रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी डिजाइन के लिए क्वेश्चन नंबर थर्टी अ ट्रेड सीक्रेट इंक्लूड जो ट्रेड सीक्रेट है वो किस चीज को इंक्लूड करता है इनफॉर्मेशन को इंक्लूड करता है अदर एंड पोटेंशियल इकोनॉमिक वैल्यू फॉर इट्स ओनर मीन ऑल ऑफ क्या हो जाएगा करेक्ट ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर हितेश एजी के नाम से आपको वहाँ पर चैनल मिल जाएगा दो आपको चैनल मिलेंगे हितेश एजी और एक हितेश एजी डिस्कशन के नाम से ठीक है आप हितेश एजी या डिस्कशन दोनों आप ज्वाइन कर लीजिएगा डिस्कशन में आप अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ पर क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं किसी चीज़ की जरूरत है वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं वैसे मैसेज दोनों पर आप कर सकते हैं ठीक है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ